हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड आज जो है हमारा इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, विच इज आवर ग्रेविटेशन। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले तो अभी जिसने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन पे डाल देता हूँ, जाके आई बटन पे देख लेना फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, एंड उसके बाद देन कम टू दिस पॉइंट। ओके, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल टॉक अबाउट हाई टाइप्स एंड लो टाइप्स, विच इज ऑन योर पेज नंबर 6। ओके, तो ये डू यू नो में क्वेश्चन दिया है। ओके, आपके पेज नंबर 6 और 7 में कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, तो मैं सॉल्व एग्जांपल्स के लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हमारे इस चैप्टर के पूरे सॉल्व एग्जांपल्स होंगे। एंड इस चैप्टर का जो मैंने एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी बना के पोस्ट कर दिया है, तो यू कैन वॉच दैट, वो भी मैं लिंक में दे देता हूँ। ओके, नाउ हाई टाइड एंड लो टाइड, देन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देन अगेन पेज नंबर 7 पे एक है यूज योर ब्रेन पावर में व्हाई एप्पल डोंट अट्रैक्ट अर्थ। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम आज डील करेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर हाई टाइड एंड लो टाइड। ओके, एवरीवन नोज हाई टाइड एंड लो टाइड इज दैट जब भी ओशंस में या सी में वाटर लेवल कम होता है या ज्यादा होता है तो उन्हें हम हाई टाइड्स और लो टाइड्स में जो है अंडरस्टैंड करते हैं। हाई टाइड मीन्स वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लो टाइड मीन्स वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वाटर लेवल्स में, दिस इज बिकॉज ऑफ अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये कैसे होता है? सो अगर हम एग्जाम्पल ले अर्थ का, सो लेट्स से दिस इज आवर अर्थ। ओके, तो और हमने यहाँ पे मून को एज्यूम किया, लेट्स से दिस इज मून। तो ये अर्थ और मून के वजह से जो है हमें ये मिलता है। ओके, नाउ वी नो दैट अर्थ का जो 71% है पूरा पोर्शन वो वाटर कवर्ड है, राइट? तो यहाँ पे वाटर क्वांटिटी इज मोर कंपेयर टू लैंड। सो अब क्या होता है, वी नो दैट देयर इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ। ओके, मून और अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसपे हमने लास्ट लेक्चर में बातें की थी थोड़ा, और थोड़ा और आज हम बात करेंगे उसके ऊपर फिर से। तो मून और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सी वाटर ऑल्सो कंसिस्ट मास। मैंने लास्ट लेक्चर बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होने के लिए मास का होना बहुत जरूरी है, राइट? तो यहाँ पे अर्थ पे जो वाटर है उसके पास मास है, तो सी यहाँ पे मून है, राइट? सो इस पोर्शन में तो कहीं मून नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें कुछ एक ऐसा शेप देखने मिलेगा। वैसे आपके बुक में ये डायग्राम है, तो कुछ ऐसा शेप देखने मिलेगा, मतलब एक बल्गी शेप मिलेगा। सो व्हाट यू कैन सी हियर एट दिस पोर्शन एंड एट दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है थोड़ा बल्की हो गया, मतलब हम वाटर लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वाटर लेवल क्या हो गया, राइज हो जाएगा। तो जिस साइड में मून होगा उस साइड में वाटर लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। और इस साइड में अगर आप देखोगे ना, एज यहां से अगर हम 90 डिग्री लेते हैं इस पोर्शन पे, तो यहाँ पे जो है वाटर लेवल राइज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे, और इवन दो यहाँ पे वाटर जो राइज हुआ है, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर जो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो गया, ज्यादा हो गया, तो खींच गया है वाटर। तो वी कैन से दैट कि इस पोर्शन में क्या होगा, वाटर लेवल थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो जहां पे वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा उसे हम बोलेंगे लो टाइड, और जहां पे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा उसे हम बोलेंगे हाई टाइड। So this is what low tide and high tide we get in sea level with the help of moon and earth motions. Okay. Now next is earth gravitational force. Okay. अभी हमें पता है कि earth की gravitational force है, earth पे जितने भी object है उन सारे objects को earth attract कर रहा है, even earth के बाहर जो objects है उन्हें भी वो attract कर रहा है, जैसे moons है, या फिर कोई बीच में देखो news आ रहा था कि एक meteor जो है अर्थ पे गिरने वाला, तो ये मीटियोर्स वगैरह कैसे अर्थ पे गिर जाते हैं, राइट? या कहीं से आ रहे हैं, बिकॉज इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो व्हाई दे लाइक फॉल ऑन अर्थ पर्टिकुलरली, या किसी प्लैनेट पे कैसे गिरते हैं? तो गिरने का रीजन इनका ये होता है कि सपोज एक मीटियोर है, वो बहुत ही स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, बट अगर ऐसा मान लो ऐसा हो गया अगर कि एक अर्थ के बहुत ही करीब से एक मीटियोर जा रहा है, राइट? तो करीब से मीटियोर जा रहा है बट अर्थ के जैसे करीब से हो जाएगा, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिससे वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे फॉल हो जाएगा, और जब वो अर्थ पे फॉल होगा तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिस्टरबेंस। तो इसीलिए जो हमारे
डायनासोर्स थे वो खत्म हो गए बिकॉज मीटियोर्स गिरे थे अर्थ पे। तो जब वो मीटियोर्स गिरे थे तो अर्थ पे जितने भी अर्थ क्रस्ट पे जो भी लिविंग क्रिएचर थे वो सारे वैनिश हो गए। ओके, तो इसे अगर हम और अंडरस्टैंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो मान लेते हैं अगर हम अर्थ सरफेस पे हैं, सो लेट्स से दिस इज अर्थ सरफेस, और इस अर्थ सरफेस अगर मैंने किसी चीज को ऊपर उछाला, राइट, मैंने किसी चीज को ऊपर उछाला ऐसे ऊपर नहीं, तो इफ आई एम थ्रोइंग समथिंग वर्टिकली अपवर्ड, अगर मैं किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूँ दैट मीन्स वॉट, वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, राइट। बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे इस टॉपिक को आपके बुक में तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि क्या अगर उस ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो क्या वो उसी स्पीड से ऊपर जाते रहेगा, क्या उसमें स्पीड में कोई चेंजेस होंगे, राइट, क्या वो रुकेगा, क्या वो कंटिन्यू जाते रहेगा, राइट, क्या वो नीचे दोबारा आने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेन एवर वी थ्रो समथिंग अपवर्ड, जब भी हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड तो जाता है, बट वी नो कि ये ऑब्जेक्ट के पास मास है, अर्थ के पास भी मास है, और अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने वाला है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे तो वो हमने थ्रो किया तो स्पीड मैक्सिमम होगी, बट जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पीड डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब स्पीड डिक्रीज होगी, राइट, स्पीड डिक्रीज होगी तो एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा, मतलब स्पीड कम कम होते जाएगी, एक पॉइंट पे आके रुक गया, और जैसे एक पॉइंट पे रुक गया फिर वो क्या होगा, फॉल होना स्टार्ट होगा। अब जब वो फॉल होना स्टार्ट होगा तो फिर से उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, इसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे वो फॉल डाउन होगा फिर से, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ऊपर जाते जाते क्या होगी, वेलोसिटी विल डिक्रीज, सो व्हेन इट विल गो अपवर्ड वेलोसिटी विल डिक्रीज, एंड व्हेन इट विल कम डाउनवर्ड, ऊपर इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो वेलोसिटी, मतलब हमने उसे नीचे से फेंका, ये ऊपर गया गया गया, जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है, एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गया, जैसे वेलोसिटी जीरो हो फिर नीचे आना स्टार्ट होगा, और जब वो नीचे आना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन वेलोसिटी, है ना, इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो अब यहां पे जैसे वो नीचे आएगा वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब वो ग्राउंड पे टच होगा, राइट, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ओके, सो ये चीजें हैं, और ये इंक्रीज इन वेलोसिटी किस वजह से होगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मैंने कहा नेक्स्ट टॉपिक है इसका, कवर करेंगे पेज नंबर 8 पे आपके बुक में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अर्थ का जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमने कल भी किया था, ये फोर्स क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर, अर्थ के सेंटर पे है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने ऐसे ऊपर उछाला तो ये सेंटर की तरफ नीचे आएगा, राइट, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से उछाला, ठीक है, अब इस पोर्शन पे हमने वर्टिकली अपवर्ड दिया तो ये वर्टिकल, ये डाउनवर्ड ऐसे नीचे नहीं आने वाला है, ये रॉन्ग पोर्शन है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली इस डायरेक्शन में ऊपर भेजा, जैसे इसे वर्टिकली हमने इस डायरेक्शन में ऊपर भेजा था तो इसे हमने ऐसे ऊपर भेजा तो ये ऐसे ही नीचे आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स होने वाला है, राइट, क्योंकि अगर वो ऐसे नीचे नहीं आने वाला, ऐसे नीचे आएगा तो ये सेंटर नहीं आता। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल होता है तो टुवर्ड्स द सेंटर फॉल होता है, बिकॉज फोर्स जो है टुवर्ड्स द सेंटर लगता है अर्थ के, ठीक है। तो जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लें हम, अगर हमने सपोज ऐसे अर्थ एज्यूम किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उछालोगे तो वो इस सेंटर की तरफ आएगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ उछालोगे तो भी वो सेंटर की तरफ आएगा, यहाँ उछालोगे तो भी सेंटर की तरफ, यहाँ उछालोगे तो भी सेंटर की तरफ, यहाँ उछालोगे तो भी वो गिरेगा तो सेंटर की तरफ, तो यहाँ से उछाला तो भी गिरेगा सेंटर की तरफ, ठीक है। तो हर पोर्शन पे उसी तरीके से ये वर्क करने वाला है, ठीक है। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंटर की तरफ एक्ट करेगा ऑन एनी प्लैनेट, ऐसा नहीं कि अर्थ पे, बिकॉज ऑफ ये स्फेरिकल शेप है इसलिए हम अभी बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज यूज योर ब्रेन पावर में क्वेश्चन दिया था, अब उसमें देखो यहाँ पर तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा क्वेश्चन, व्हाई एप्पल डोंट अट्रैक्ट अर्थ, एप्पल एक अर्थ को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है। अब देखो ये समझने के लिए पहले ये समझिए, जब हमारे न्यूटन बाबा बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और एक एप्पल फॉल होता है, तो ऑब्वियसली व्हेन एप्पल फॉल्स तो
यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एप्पल अर्थ के ऊपर गिर रहा है ना, बट न्यूटन की थ्योरी क्या कहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए दो बॉडी का होना जरूरी है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, है ना, जिसमें हमने प्रूफ किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, न्यूटन का। अगर आपने नहीं देखा है वो मेरा सेकंड वीडियो है, मैं फिर से लिंक में दे दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो यूनिवर्स, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, तो उस फोर्स में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है हमें, तो दो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। हमने कुछ ऐसे डायग्राम्स बनाए थे, राइट, हमने कैसे डायग्राम्स बनाए थे, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, बराबर। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा, अब ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा, तो हम ये जानना चाहते हैं अभी कि अगर हमने एक एग्जांपल लिया अर्थ का और एप्पल का, तो व्हेन एप्पल फॉल्स ऑन अर्थ, तो एप्पल भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो बट यहाँ पे अर्थ ने एप्पल को क्या किया, अट्रैक्ट किया है, क्या एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट नहीं किया, किया, एप्पल ने भी अर्थ को अट्रैक्ट किया, बट द क्वेश्चन इज एप्पल ने जो अर्थ को अट्रैक्ट किया वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम था, राइट, तो एप्पल ने जो अर्थ को अट्रैक्ट किया तो वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम था, बट जो अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया वो फोर्स ज्यादा था। अगर आपको कैलकुलेट करना है ये फोर्स कितना है, तो कल जो हमने, मतलब लास्ट लेक्चर्स में जो हमने फॉर्मुलेस डिजाइन किए थे, उस फॉर्मुलेस को आप देख सकते हो, दैट इज एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, राइट। तो उस फॉर्मुले में आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, दोनों के मासेस को सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए और इसके लिए, जब आप दो ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हो तो कॉन्स्टेंट मिलेगा और एफ की वैल्यूज आपको सेम मिलेगी, बट ये जो अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है तो ये मास पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा वो उसे अट्रैक्ट तो करेगा बट अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा, जैसे अर्थ एप्पल को पुल कर रहा है बट एप्पल अर्थ को पुल नहीं कर पा रहा है, हमारे पास भी मास है, हम अर्थ पे हैं, अर्थ हमें पुल करता है, हम अर्थ को पुल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं, बट दो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल है, बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन ऑफ मास, ओके। सो हमारे कंपेयर में अर्थ का मास जो है बहुत ज्यादा है, देयरफॉर अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो भी जो है बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें सपोज दो ह्यूमन बींग की, राइट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला हम करेंगे। अगर मैंने कहा एग्जांपल में सपोज दो पर्सन है, राइट, ये दोनों एक दूसरे से एक मीटर दूर खड़े हुए हैं, दोनों दूसरे से एक मीटर दूर खड़े हुए, तो वन मीटर अपार्ट दे आर स्टैंडिंग फ्रॉम ईच अदर, सो इन दिस केस क्या ये दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, बिकॉज दोनों भी तो ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, राइट, और न्यूटन के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो वो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे, तो क्या यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे एग्जर्ट फोर्स कर रहे हैं, यस दे आर एग्जर्टिंग फोर्स, बट ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ये बहुत ही स्मॉल फोर्स है। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखा लो, हमारे पास बहुत सारे फोर्सेज है, न्यूक्लियर फोर्स है, राइट, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और फिर हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स है कंपेयर टू ऑल द फोर्सेस। अगर हम किसी भी फोर्स से कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है। इसे हम वीक कैसे बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वीक क्यों बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वीक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज सी अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रहा है, यू ऑल एग्री दैट, तो क्या वो हमें इतना जोर से अट्रैक्ट कर रहा है कि जैसे दो मैग्नेट चिपक जाते हैं, नहीं, सी वी कैन वॉक ऑन द अर्थ सरफेस, है ना, हम अर्थ सरफेस पे चल सकते हैं, मैं अभी यहां से यहां जा सकता हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अर्थ सरफेस पे चल रहा हूँ, आई कैन डांस, आई कैन रन, आई कैन जंप, आई कैन डू एनी एवरीथिंग,
दैट मीन्स ये फोर्स हमें पुल तो किया है, अट्रैक्ट तो किया है, बट इतना भी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया है। तो एक चीज यहां पर ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, बट इट हैज अ वाइड रेंज, इसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप देखोगे मून इतनी दूर है अर्थ से 3 लाख किलोमीटर, सो उस डिस्टेंस पे भी अर्थ ने मून को अट्रैक्ट किया हुआ है, बराबर। अगर आप दो मैग्नेट्स को बहुत ज्यादा दूर ले जाओ तो अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाता है या रिपल्सिव फोर्स, बट यहाँ पे वो फोर्स है, राइट। तो यहाँ पे रेंज बहुत बड़ा है, बट उनका जो हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ है या पावर है वो बहुत ही कम है, राइट। सो देयरफॉर वी से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीक फोर्स कंपेयर्ड टू न्यूक्लियर फोर्स एंड एनी अदर फोर्सेस। ओके, सो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे लेकर। तो एप्पल जो है कभी भी अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, या हम अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज आवर मास कंपैरिजन विद अर्थ इज वेरी स्मॉल, राइट। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।